बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी हैरियत से हूँ। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने और जाने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और उन पर अल्लाह ताला का खास करम हो। आज जैसा कि अभी शाम का वक्त है और इन दिनों में हमारे पास आड़ू के पौधे लगाए गए थे छोटे छोटे, जो कि गुज़रिश्ता साल तो अभी काफ़ी बड़े हो गए आड़ू के पौधे, और उनके साथ कुछ आड़ू भी लगे हैं। बाकी पीछे माल्टों का बाग है जैसा कि, उसके साथ अभी उनके इस मौसम में फूल लगते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आड़ू के पौधे पिछले साल लगाए थे और अभी काफ़ी बड़े हो गए और उनके साथ फल पेना जो लगने शुरू हो गए। शाम का वक्त है और माल्टों के बाग में इसके साइड पर यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं माल्टे के जो ट्रक्स हो गए हैं अभी तक काफ़ी बड़े, और ये इस मौसम में इनके साथ माल्टे नहीं लगते, फूल लगते हैं ऐसे ही लेकिन माल्टे नहीं होते। बाकी यहाँ पर अभी आड़ू भी लगा दिए इन्होंने, ये देख सकते हैं आपके ये आड़ू के साइड पर आड़ू के पौधे लगाए हैं इन्होंने। बाकी जो खेत में था वो घास था जो कि जानवरों के लिए रोज़ाना काटा जाता है, और इसके साइड पर ही अभी यहाँ पर जानवरों का तबेला बनेगा। साथ ही इन्होंने गंदम लगाई हुई है और इस तरफ पर अब सब घर बनाएंगे यहाँ पर। तो ये आड़ू का पौधा देखें यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसके साइड पर लगाए हैं इन्होंने। शाम का वक्त जैसा कि सूरज अभी ग़ुरूब होने वाला है और आज सुबह से काफ़ी बारिश का मौसम भी बना हुआ है। और सामने सब्ज़ी लगी हुई है जो कि मुख्तलिफ है, और वहाँ पर इसके साइड पर प्याज लगाए हैं इन्होंने और उसके साइड पर लहसुन जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो साइड पर आप देखें बड़ा बड़ा लहसुन है और ये प्याज, और इन चीज़ों को पानी यहाँ से लगता है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर एक कुएं और इसके साथ ही खेत, और कुएं के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त हैं जिनकी वजह से यहाँ पर धूप नहीं लगती, काफ़ी सायादार दरख्त हैं। और ये सामने कुआ है इस वक्त बंद है। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हाजिर रहूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।